मोरा कर ले तुलसी वाला टिन टिन टिन, टिन। आमा यहाँ पे घूम रही है फिर अभी इतनी सुबह से जाओ चाचा तू सुबह सुबह छपाई में लग गई रे छोटे जी अजीब तो आ रहे हैं रास्ते में अरे यार थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं तो लाइटें लाइट चल रही होती सोई है दोनों आवाना नाती मम्मी डॉग दे दी जाओ तुम उधर ले मम्मा मम्मा कहाँ है बुंदे कौन है बाबा छुएगा और छुएगा भी मिशु क्या निकल दे बाबा को भी बाबा को भी मैं मनी मन गया मुझे याद आई याद आई आपको छुएगा छु जाओ छु निकलेगा मेरे को भी याद मेरे को निकलेगा तो गाइस फाइनल मिशु उठ चुकी है और अपने बंदूक का वेट कर रही है दिखा दो मिशु को बंदूक दबाओ इसको दबाओ चलाओ चलाओ ना इसको ऊपर ऐसे लगा देते हैं मिशु चलाओ एक बार इसको ऐसे लगा देते हैं बच अब चलाओ मिशु इसमें इसमें लाइट आएगी यहाँ पे करो चलाओ दीवार में ओले बाप ले मिशु तो एक हाथ से चला ले रहे हैं अच्छी लगी हेलो दोस्तों बज गए हैं सुबह के 8 और मैं करने लगी हूँ इस घर में भी सफाई दिल्ली के घर में साफ सफाई हो गई थी अब इस घर की हालत देखो कैसी हो रही है ये मेरा रूम है ये रहा मेरा रूम यहाँ का आप देख सकते हो ये तो ये क्योंकि बच्चे वाला घर है ना तो वो तो बिस्तर ऐसा होना ही है वैसे मम्मी ने बहुत सारी सफाई कर रखी है ऑलरेडी ताकि मेरे में ज़्यादा मतलब वो ना आए क्या बोलते हैं उसको बाहर ना आए बट जो भी बस्ती है सफाई वो मैं कर लूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ना ये सबसे पहले मैं इसकी बेडशीट चेंज करती हूँ और यहाँ धूप बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि गांव में तो ऐसा ही होता है मौसम यहाँ का बहुत ठंडा है दिल्ली के अकॉर्डिंग अच्छा और मैं हुडी वगैरह पहन के आई थी तो चलिए ये बिस्तर को ना समेटते हैं और नहीं चारे बिछाते अरे वो मम्मी मिशु वहाँ बैठ के चिप्स खा रही है वो देखिए वो देखो बुला रही है मुझे तो ये है हमारा घर ये रही मिशु गुड मॉर्निंग क्या हाल है मैं क्या खा रही हूँ चिप्स खा रहे हो आप एक एक करके खाओ ना अभी भी इतना सारा और ये देखो कितना सामान लेके बैठी है आपने अपना दूध फिनिश किया हाँ तो चलिए फटाफट क्लीनिंग करते हैं यहाँ की और ये मिशु का झूला है
ये ना छोटी वाली दीदी का बेबी आया था तो उसके लिए निकाला था, इसको वापस से ना ऊपर रख देंगे स्टोर में। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ की बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। जल्दी जाओ। तो गाइस झाड़ू वगैरह लग चुका है और अब मैं लगाऊंगी पोछा। और हरी से छत में वो सारी लाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, वैसे तो थोड़ी पापा कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन बाकी की बच्ची हुई वो कर रहे हैं। और मैं उनसे मिलाती हूँ आप लोगों को और मैं अपनी छत का व्यू भी दिखाती हूँ। ऑलरेडी बहुत लोगों ने देखा होगा। हाँ ये रहा पीछे निगम, अरे छत से यहाँ पीछे ना पूरा निगम है। और ये रहे हरीश जो लगा रहे हैं लाइटिंग, वो सामने है मेरी चाची सास का घर। तो चलिए चलते हैं नीचे, करते हैं अपना काम फिनिश। हॉल में पूरा पोछा लगाना है, देख सकते हो मेरा रूम हो गया क्लीन पूरा, झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ मैं। ये देखो थोड़े कपड़े ने समेटना है, बिस्तर भी लगा दिया। तो चलिए चलते हैं अब बाहर, हरीश को कुछ काम है, देखते हैं क्या हो। मेरी सास बैठी है वो सामने, आज बहू आ गई है तो सास को मिल गया। ये रही मिशी का गुस्सा है, कौवा कौवा। मम्मी यहाँ पे बना रही है चावल और चल रहा है इस घर का काम। और ये रही मेरी कुन्नू, अभी दिन के 12 बजे हम लोग पी रहे हैं चाय क्योंकि सब थक चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं खट्टी माँ की मार्केट थोड़ा सामान लेने, टाइम अभी मिला इसलिए लेट जा रहे हैं। और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। मिशु अच्छा वाला बोलना, शाम के बज चुके हैं 8 और अब मैं करने लगी हूँ मंदिर साफ यहाँ का, दिल्ली का जैसे कर चुकी थी बट यहाँ का भी करना है। मैंने मम्मी को बोला था आप मत करना मैं आके करूँगी, तो यहाँ का मंदिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे घर का मंदिर, देखिए तो ये ना सारी मालाएं निकालनी है मुझे। और कल सुबह है शांति पाठ, पिछले साल से हम लोगों ने स्टार्ट किया दिवाली के दिन ना मॉर्निंग में हम लोग शांति पाठ रखते हैं घर की शांति के लिए शुद्धि के लिए, तो इस साल भी करेंगे। और मानसी और सूरज नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सूरज को ना ऑफ नहीं मिल रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों को भी मिस करेंगे बहुत। अगर वो लोग भी यहाँ होते और अच्छा लगता, पूरी फैमिली साथ में होती, बट जॉब भी है तो समझ सकती हूँ मैं क्योंकि मैं खुद जॉब वाली हूँ, तो क्या बोल सकते हैं। तो जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर साथ रहूँगे। तो फिलहाल ना मंदिर मुझे पूरा साफ़ करना है, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ना मालाएं उतार के भिगा देती हूँ और इनको सुखाने डाल देती हूँ क्योंकि ना कल सुबह पाठ है तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा। और दिन भर आज मैंने और भी कई काम निपटाए तो टाइम नहीं मिल पाया। अभी मैं मार्केट भी गई थी, मार्केट से आई तो शाम ही हो गई है, तो अभी टाइम मिल रहा तो मैं सोच रही हूँ अभी निपटा देती हूँ। पापा ने यहाँ पर दिया जला रखा है, देख सकते हो दोस्तों। ये ना मैं लास्ट ईयर लाई थी चांदी के, लक्ष्मी जी और गणेश जी, कहते हैं हर साल लक्ष्मी जी और गणेश जी ना बदलने चाहिए। तो अब ये सारे जितने भी हैं ना ये सारे विसर्जित कर देंगे हम लोग नदी में। और जो इस बार मैं लाई हूँ वो यहाँ पे
उनको रखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। फाइनली मंदिर सच के हो चुका है तैयार, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। लाइटिंग भी कर दी मैंने, ये देखिए आपसे दिखाती हूँ, ये देखिए ये लास्ट ईयर के हैं और ये इस बार लेके आई हूँ मैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ सारा सामान मंदिर का मैंने रख दिया है, और उस वाली पॉलिथीन में दिए जो कल जलेंगे। और ये रहा मेरा छोटा बेबी बेबे, ये अभी छोटा बेबी बना है। तो बताइएगा आप मेरा मंदिर आपको कैसा लग रहा है, यानी हमारा मंदिर घर का वाला। दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए। हेलो गाइस, तो चलिए फटाफट मम्मी खाना वाना बना दिया है शायद मम्मी ने, तो खाना वाना खाते हैं। मिशू को भी खाना खिलाती हूँ मैं, तो अभी मैं हाँ छोटे बेबी को, ये ना छोटा बेबी बन जाती है।